हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेलेनोब्लास्टिस का नर्वस सिस्टम। बहुत ही छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूनिक है इसका अपना जो नर्वस सिस्टम है, ये यूनिक है बाकी एनिमल्स से किस तरह से डिफरेंट है वो हमें इसमें देखना है। पहले हम ये वाले पॉइंट कंसिडर करते हैं थोड़ा सा। वेलेनोब्लास्टिस का जो नर्वस सिस्टम है ये प्रिमिटिव टाइप का है, आदिम प्रकार का है। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो समानता दिखाता है कौन से एनिमल से, सिलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य होते हैं उनसे ये समानता दर्शाता है, यानी नॉन कॉर्डेट्स में सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्मेटा से ये सिमिलैरिटी शो करता है। इसमें दो नर्व कॉर्ड होती हैं, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो मिड डॉर्सल में उपस्थित है, दूसरी वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो मिड वेंट्रल में उपस्थित है। ये यूनिक कैरेक्टर है वेलेनोब्लास्टिस का। इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस है कि इसका जो ये नर्व कॉर्ड है या जो नर्वस सिस्टम है वो कहाँ उपस्थित होता है, एपिडर्मिस जो है उस एपिडर्मिस वाली लेयर में ही। जैसे ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है और ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसका एपिडर्मिस वाला भाग है। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है यानी जो नर्व कॉर्ड है, नर्व्स और नर्व फाइबर्स है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिडर्मिस वाली लाइन में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक यूनिक कैरेक्टर है, प्रेजेंट इन एपिडर्मिस और नियर एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस वाले भाग में या एपिडर्मिस के जस्ट पास में ही प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड किससे बनी होती है, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड किससे बनी होती है, ये असंख्य नर्व सेल्स से बनी होती है और नर्व फाइबर से बनी होती है। नर्व फाइबर का जाल होता है। नर्व सेल्स जो होती हैं ये बाइपोलर प्रकार की भी हो सकती हैं और मल्टीपोलर प्रकार की भी हो सकती हैं। और नर्व सेल्स जो हैं ये आपस में सिनेप्सिस के द्वारा जुड़ी रहती हैं और इस तरह से पूरे किसका निर्माण होता है, मिड डॉर्सल में डॉर्सल नर्व कॉर्ड का और मिड वेंट्रल में वेंट्रल नर्व कॉर्ड का निर्माण होता है। तो ये इसके जो यूनिक कैरेक्टर है वो हमें पहले बताने हैं। अब हम लेते हैं इसका डायग्राम, हम तीन पार्ट बना देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोबोसिस वाला पार्ट है, ये भाग कॉलर वाला भाग है और ये भाग ट्रंक वाला भाग है। ठीक है, तो हमने तीन पार्ट बना दिए इसके। ट्रंक वाला भाग अब नीचे हम ओपन छोड़ देते हैं। ट्रंक वाले भाग में हम मिड में, ये मिड में हम बनाएंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो लाइन शो कर रही है ये क्या शो कर रही है, एलिमेंट्री कैनाल। ट्रंक का जो पहला पार्ट होता है वो जैसा कि आपको बताया था ब्रैंकियो जेनाइटल वाला पार्ट होता है और वहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड में गिल पोर्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर वाला पार्ट। अब हमें पता है कि इसमें जो प्रोबोसिस वाला भाग है उसमें तो एक सिलोम है सेंटर में, लेकिन कॉलर वाले भाग में और ट्रंक वाले भाग में एलिमेंट्री कैनाल के दोनों साइड में जो है सिलोम उपस्थित होती है, तो दो सिलोम है। जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट शो किया गया है ये इस साइड का कॉलर सिलोम है और ये इस साइड का कॉलर सिलोम है। इसी तरह से एलिमेंट्री कैनाल और ये जो नर्व कॉर्ड है इसके बीच की जो स्पेस है ये स्पेस क्या कहलाती है, ट्रंक सिलोम। दोनों साइड में ट्रंक सिलोम है। ठीक है, अब हमें डायग्राम किस तरह से बनाना है, हमने तीन हिस्से बना दिए, तीन हिस्से बनाकर हम ट्रंक वाले भाग में एलिमेंट्री कैनाल बना देंगे, दोनों साइड में गिल पोर्स बना देंगे। अब शुरू करते हैं, हम मानकर चलते हैं कि ये इसका कौन सा भाग है, डॉर्सल वाला भाग है, और ये इसका कौन सा भाग है, वेंट्रल वाला भाग है। तो हम डॉर्सल वाले भाग में प्रोबोसिस से लेकर के या प्रोबोसिस के एंटीरियर पार्ट से लेकर के किनारे किनारे पर हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है येलो कलर की, ये इसका क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है इसका मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल पार्ट है तो मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड आप यहाँ पर ध्यान दें, वेंट्रल नर्व कॉर्ड कॉलर वाले भाग में नहीं है, ये कॉलर के भाग बाद में यानी ट्रंक वाले भाग में ही उपस्थित है। तो हमें यहाँ से ट्रंक वाले भाग से ये जो आउटर लाइन है इसके पास से हम एक ये लाइन बना लेंगे और ये लाइन बताएगी इसकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यानी डॉर्सल नर्व कॉर्ड तो प्रोबोसिस से लेकर एंड वाले पार्ट तक है, लेकिन वेंट्रल नर्व कॉर्ड ट्रंक वाले भाग से शुरू होता है, जहां जंक्शन है कॉलर का और ट्रंक का, तो वहां पर बस ये यहां से थोड़ा सा आगे आकर यहां से नर्व फाइबर्स निकली रहती हैं। और ये केवल कौन से भाग में है, वेंट्रल वाला, वेंट्रल ट्रंक वाले भाग में ही उपस्थित है। तो ये दो हमने बना दिया, क्या मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड पूरा आगे से लेकर पीछे तक
और मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड कॉलर वाले भाग से के इसके बाद से शुरू करके हम यहाँ पर हमने बना दिया वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब आप ध्यान दें यहाँ पर प्रोबोसिस वाले भाग पे हम पहले ले लेते हैं। प्रोबोसिस वाले भाग में जो मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड यहाँ डॉर्सल वाले भाग में है, तो यहाँ से ये नर्व निकलती है और निकल करके अधर वाले भाग में जाती है। जैसे ये डॉर्सल है तो यहाँ से निकलेगी और वेंट्रल साइड में, इसी तरह से यहाँ से निकलेगी और वेंट्रल साइड में, और इस तरह से जाकर के एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। यहाँ से निकलकर ऐसे करके पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है उसको घेरते हुए, तो ये कहलाती है इसकी एंटीरियर नर्व रिंग। क्या कहलाती है? एंटीरियर नर्व रिंग। ये जो एंटीरियर नर्व रिंग पूरी बनी है, इस पूरे रिंग से आगे की साइड में लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स निकलते हैं। आगे की साइड में पूरी रिंग से क्या निकल रही है? लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स ऑफ प्रोबोसिस। ठीक है, यहाँ पर ये नर्व फाइबर का जाल है, फैन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये नर्व फाइबर का जाल है प्रोबोसिस वाले भाग में ही। अब आप यहाँ देखें कॉलर वाले भाग में, कॉलर वाले भाग में जो सीलोम है, तो इस सीलोम डॉर्सल साइड में हम लें, इस सीलोम वाले भाग में वैसे हमने क्या बताया था कि जो इसका नर्व कॉर्ड है ये एपिडर्मिस वाले भाग में ही उपस्थित होता है, बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिडर्मिस, यहाँ पर ही। लेकिन यहाँ पर कॉलर वाले भाग में ये एपिडर्मिस से थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। किस तरफ आ गया? सीलोम की तरफ आ गया, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। और ये जो इतना सा पार्ट है इसका, ये जो इतना सा पार्ट है इसका कॉलर वाले भाग का जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ये वाला नर्व कॉर्ड बाकी डॉर्सल नर्व कॉर्ड के कंपेयर में थोड़ा मोटा होता है ना, और इसके बीच में एक जो है स्पेस भी पाई जाती है। तो ये जो भाग है इसका, यानी कॉलर का डॉर्सल नर्व कॉर्ड, कॉलर का नर्व कॉर्ड जो डॉर्सल साइड में है, इसको ब्रेन के कंपेयर में माना जाता है, यानी समतुल्य माना जाता है मस्तिष्क के। लेकिन हम इसे वास्तव में मस्तिष्क नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें यहाँ पॉइंट दिया है, क्योंकि ये सॉलिड होता है, क्योंकि इसके अंदर नर्व सेल्स के गुच्छे नहीं पाए जाते हैं, और क्योंकि इससे तंत्रिकाएं बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला पार्ट जो है ये वास्तविक मस्तिष्क है, इसलिए इसको ब्रेन के समतुल्य माना है। ठीक है, लेकिन ये कॉलर वाले भाग का जो नर्व कॉर्ड है डॉर्सल वाला, ये भाग जो है ये बाकी के कंपेयर में मोटा होता है, और यहाँ से एपिडर्मिस से थोड़ा सा अंदर की साइड, यानी सिलोम की साइड होता है, और इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको कहेंगे न्यूरोसील। क्या कहेंगे उसको? न्यूरोसील। और इस वाले भाग से इसको सेंटर मास ऑफ नर्वस सिस्टम या ब्रेन, या इस वाले भाग से 10 से लेकर 160 जोड़ी नर्व फाइबर्स निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 10 से लेकर 160 जोड़ी नर्व फाइबर्स निकलती हैं। तो ये पार्ट कौन सा है? कॉलर नर्व कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद में जब ट्रंक वाले भाग में आप देखें, ट्रंक वाले भाग में ये वापस एपिडर्मिस वाले भाग में आ गया। ठीक है, यहाँ कॉलर और ट्रंक का जो जंक्शन वाला भाग है, यहाँ पर भी डॉर्सल नर्व कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, नर्व फाइबर्स निकलती हैं, और निकल करके ये पूरा ऐसे घेरा बनाते हुए वेंट्रल साइड की जो नर्व कॉर्ड है उससे अटैच हो जाती हैं। यानी डॉर्सल से निकली और वेंट्रल जो नर्व कॉर्ड है उससे अटैच हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, यहाँ पर कॉलर और ट्रंक के जंक्शन में। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन द डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड के को कनेक्ट करने वाली ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, ये कहलाती है सर्कम इंसेंट्रिक नर्व रिंग। ठीक है, तो ये है सर्कम इंसेंट्रिक नर्व रिंग जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड को वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्ट कर रही है कॉलर और ट्रंक के जंक्शन वाले भाग में। और ये आगे की तरफ जो एंटीरियर नर्व रिंग बन रही है, ये केवल कौन बना रहा है? डॉर्सल का जो नर्व कॉर्ड है उससे नर्व्स निकलती है और निकल करके पूरा जो है वेंट्रल साइड में होते हुए वापस इससे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, इससे आगे की तरफ निकल रही है लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स ऑफ प्रोबोसिस। और ये हमें अलग से डिस्क्राइब करना है, ये कौन सा भाग है? कॉलर नर्व कॉर्ड जो एपिडर्मिस में ना होकर थोड़ा अंदर की तरफ आ जाता है, और थोड़ा अंदर की तरफ आता है बाकी के कंपेयर में थोड़ा मोटा होता है, इसको सेंटर मास ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं या इसको ब्रेन समतुल्य कहते हैं, लेकिन ये वास्तविक ब्रेन नहीं है क्योंकि ये सॉलिड होता है, क्योंकि इनमें नर्व्स करके गुच्छक नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे तंत्रिकाएं नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो
इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ये डायग्राम बनाना है और ये कैरेक्टर्स इसके नर्वस सिस्टम के हमें एक्सप्लेन करने हैं। कभी कभी नर्वस सिस्टम के साथ में सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रश्न पूछा जाता है, तो सेंसरी ऑर्गन इसमें बहुत ही जो है प्रिमिटिव प्रकार का है। सेंसरी ऑर्गन के नाम पर इसमें क्या है, जो अभी हमने बताया था ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस तो होती नहीं है इसमें, तो यहाँ पर नर्व सेल्स होती हैं, ये इस तरह से नर्व सेल्स हैं और यहाँ नर्व फाइबर्स हैं, ये सेंसरी ऑर्गन के रूप में है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन, तो वो प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन जो माउथ वाले पार्ट के ऊपर की साइड में है, प्रोबोसिस के मिड वेंट्रल साइड में, माउथ की ओपनिंग के जस्ट ऊपर, तो वो केमिकल वो कीमोरिसेप्टर होता है सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन के नाम पर हमें केवल ये इतना सा डिस्क्राइब करना है। तो ये होता है कंप्लीट आपका बैलेनोग्लॉसस का नर्वस सिस्टम, छोटा सा डायग्राम है ये, यूनिक इसका डिस्क्रिप्शन है और ये इसके बारे में इसके कैरेक्टर है। ये कंप्लीट होता है नर्वस सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लॉसस।